सवाल नंबर एक, दिमाग कमजोर होने के पीछे क्या कारण होता है? सवाल नंबर दो, मांसपेशियां कमजोर होने के पीछे क्या कारण होता है? सवाल नंबर तीन, हृदय कमजोर होने के पीछे क्या कारण होता है? सवाल नंबर चार, हड्डियां कमजोर होने के पीछे क्या कारण होता है? सवाल नंबर पाँच, किडनी कमजोर होने के पीछे क्या कारण होता है? सवाल नंबर छः, आते कमजोर होने के पीछे क्या कारण होता है? सवाल नंबर सात, दांत कमजोर होने के पीछे क्या कारण होता है? सवाल नंबर एक, दिमाग कमजोर होने के पीछे क्या कारण होता है? जैसे कि नंबर एक, यदि आप अधिक तनाव एग्जाइटी डिप्रेशन में रहते हैं तो इससे दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इससे मस्तिष्क थकान महसूस करता है और अपना कार्य सही से नहीं करता, ऐसे में आप किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा पाते, फोकस नहीं कर पाते हैं। नंबर दो, महिलाओं में होने वाले मेनोपॉज के कारण भी भूलने की समस्या हो सकती है। मेनोपॉज के दौरान शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं जिससे मूड स्विंग, अनिद्रा जैसी समस्या नजर आती है। नंबर तीन, यदि आप पिछले कई महीनों से किसी खास दवाई का सेवन कर रहे हैं तो इससे भी याद करने की क्षमता प्रभावित होती है। डिप्रेशन या एंग्जाइटी की दवाओं को लेने से भी यह समस्या अधिक बढ़ सकती है। नंबर चार, यदि आप प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते तो इससे भी याद करने की क्षमता प्रभावित होती है। कम सोने से आपका दिमाग फ्रेश नहीं होता, भरपूर नींद लेने से मस्तिष्क तरोताज़ा महसूस करता है और आप अधिक अलर्ट बनते हैं। नंबर पाँच, कई बार खान पान में पौष्टिक चीज़ों की कमी से भी दिमाग पर नकारात्मक असर पड़ता है। दिमाग सही तरीके से काम करे, मस्तिष्क की सेहत अच्छी बनी रहे, उसके लिए डाइट में विटामिन B1, B12 युक्त फूड को शामिल करें। कुछ फूड्स होता है जो ब्रेन की सेहत को बूस्ट करता है। अल्कोहल का सेवन अधिक करने से भी मेमोरी लॉस होती है, यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम को धीमा कर देता है। नंबर छह, यदि आपको किसी दुर्घटना में सिर पर चोट लगी है तो इससे भी मेमोरी लॉस होने की समस्या कई बार बढ़ जाती है। आप सिर पर लगी चोट को नज़रअंदाज न करें, कई बार जो चोट आपको ऊपर से हल्की नज़र आती है वह अंदरूनी रूप से अधिक गंभीर भी साबित हो सकती है। सिर पर लगी चोट का इलाज अच्छी तरह से करवाएं। सवाल नंबर दो, मांसपेशियां कमज़ोर होने के पीछे क्या कारण होता है? जैसे नंबर एक, मांसपेशियों का कमज़ोर होना उम्र के बढ़ने के साथ साथ आम होता है। आप 60 साल तक इसे ज़्यादा महसूस नहीं कर पाते हैं लेकिन इसके बाद आपको कमज़ोरी महसूस होने लगती है। यह सभी के साथ होता है और कई बार यह आपके अनएक्टिव होने के कारण भी हो जाता है, इसलिए इस उम्र में आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए। नंबर दो, कुछ दवाइयाँ खाने से भी आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो सकती है। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयों के साथ ज़्यादा होता है। यदि आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है और आप इस प्रकार की दवाइयाँ खा रहे हैं तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से बात जरूर करनी चाहिए। नंबर तीन, यदि आपको कोई इन्फेक्शन या सर्दी हो जाती है तो भी आपको थकान महसूस होती है और इसके साथ साथ आपसे कोई काम भी नहीं हो पाता है, इसलिए आपकी मसल्स की कमज़ोरी की वजह सर्दी भी हो सकती है। इसके लक्षण आपको एक हफ्ते तक देखने को मिल सकता है लेकिन यदि ये लक्षण इससे ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। नंबर चार, यदि आपको कभी स्ट्रोक हुआ है तो उससे भी आपकी मसल्स एकदम से कमज़ोर हो जाती है। ज़्यादातर बार स्ट्रोक होने पर आपके शरीर की एक साइड की मसल प्रभावित होती है और न कि दोनों साइड की। यदि आपकी मसल्स की वीकनेस का कारण स्ट्रोक है तो आपको धुंधला दिखना, चक्कर आना, चलने में परेशानी आना, सिरदर्द रहना और कन्फ्यूज़ रहना आदि हो सकता है। सवाल नंबर तीन, हृदय कमज़ोर होने के पीछे क्या कारण होता है? जैसे नंबर एक, बेचैनी और छाती में दबाव महसूस होना भी दिल की कमज़ोरी का कारण हो सकता है। हम आपको बता दें कि दिल की धमनियों के ब्लॉक होने के बाद सीने में दबाव सा महसूस होता है जो दिल की परेशानी का कारण होता है। हृदय के कमज़ोर होने पर इंसान को अक्सर ही बेचैनी और एक दबाव सा महसूस होता है। नंबर दो, हृदय की कमज़ोरी में आपका ब्लड प्रेशर भी अनियंत्रित हो जाता है। ब्लड प्रेशर की परेशानी भी दिल के कमज़ोर होने पर हो सकती है। दरअसल हाई ब्लड प्रेशर के कारण हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर की परेशानी अधिक होती है। ऐसे में बीपी की परेशानी वालों को इसको रोज़ चेक करना चाहिए। नंबर तीन, कमज़ोर हृदय की समस्या में आपके सीने में विशेषकर बाईं ओर ज़्यादा दर्द होता है। यह दर्द कभी कभी आपके लिए जानलेवा तक साबित हो सकता है। इस दर्द की स्थिति को मेडिकल भाषा में एंजाइना कहा जाता है। अगर आपको ऐसी परेशानी हो तो इसे अनदेखा ना करें। नंबर चार, सांस में रुकावट या सांस लेने में तकलीफ के कारण अक्सर सोते समय खर्राटे आने लगते हैं जिसका असर आपके दिल पर होता है। खर्राटे की समस्या सीधे तौर पर दिल की सेहत से जुड़ी होती है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दिल की कमजोरी में भी आपको खर्राटे की समस्या हो सकती है। नंबर पाँच, अगर आपको लगातार सर्दी और जुकाम बना रहता है तो दिल की बीमारी का संकेत होता है। एक लंबे वक्त तक जुकाम की समस्या होना और इसके कारण से कफ बनना दिल से जुड़ी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। सवाल नंबर चार, हड्डियाँ कमज़ोर होने के पीछे क्या कारण होता है? जैसे नंबर एक, अगर आप अपनी डाइट में सही मात्रा में कैल्शियम का सेवन नहीं करते तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती है। हड्डियाँ कमज़ोर होने के कई नुकसान होते हैं जिनमें हड्डी के आसानी से टूटने की संभावना एक प्रमुख कारण है।
नंबर दो, अत्यधिक शराब या धूम्रपान का सेवन भी आपकी हड्डियों को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। इनसे आपकी हड्डियाँ बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। नंबर तीन, आरामदेह जीवन शैली होना हड्डियों के लिए नुकसानदायक है। दरअसल हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए आपको सक्रिय रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आराम पसंद जीवन शैली पसंद करते हैं तो आपको हड्डी संबंधी समस्या, खासतौर से ऑस्टियोपोरोसिस होने की समस्या सक्रिय लोगों की तुलना में अधिक होगी। नंबर चार, कभी कभी कुछ दवाइयों का सेवन करना या फिर अनुवांशिक कारणों के चलते भी हड्डियों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इनसे बचने के लिए आपको कैल्शियम की सही मात्रा और व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करना जरूरी है। सवाल नंबर पाँच, किडनी कमज़ोर होने के पीछे क्या कारण होता है? जैसे नंबर एक, हाई ब्लड प्रेशर आजकल की एक सामान्य समस्या बन गई है। अधिकतर लोग इस बीमारी से पीड़ित है। हाई ब्लड प्रेशर भी किडनी की खराबी का एक कारण बन सकता है। किडनी को सुरक्षित रखने के लिए ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखना जरूरी होता है। नंबर दो, डायबिटीज़ भी किडनी की खराबी का एक प्रमुख कारण हो सकता है। इस स्थिति में सुधार करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश करें। नंबर तीन, किडनी में रक्त का प्रवाह कम होना किडनी फेलियर का कारण बन सकता है। दिल का दौरा, दिल की बीमारी, डिहाइड्रेशन, जलन, एलर्जी, गंभीर संक्रमण गुर्दे में रक्त के प्रवाह में कमी का कारण बन सकती है। नंबर चार, जब शरीर से पेशाब बाहर नहीं निकलता तो टॉक्सिन जमा हो जाते हैं या किडनी को ओवरलोड कर देते हैं या मूत्र मार्ग को अवरुद्ध कर सकते हैं। मूत्र त्याग में परेशानी होना किडनी कमज़ोर होने का एक प्रमुख कारण बन सकता है। इस दौरान किडनी में पथरिका बढ़ना, मूत्र पद में रक्त के थक और मूत्राशय को नियंत्रित करने वाली नसों को नुकसान पहुँच सकता है। सवाल नंबर छः, आंतों कमज़ोर होने के पीछे क्या कारण होता है? जैसे नंबर, जिन लोगों को आंतों की समस्या होती है उन्हें अक्सर पेट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में आपको पेट में गैस, सूजन, दस्त, दर्द और कब्ज जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। नंबर दो, बार बार मीठी चीज़ें खाने का मन होना भी आंतों में गड़बड़ी का संकेत या कारण हो सकता है। बहुत अधिक चीनी खाने से आंतों में खराबी, बैक्टीरिया की वृद्धि हो सकती है। इसके लिए आपको अपने खाने की आदत में बदलाव करना जरूरी होता है। नंबर तीन, अगर आप वजन घटाना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो यह आंतों में कमजोरी होने का संकेत हो सकता है। सवाल नंबर सात, दांत कमज़ोर होने के पीछे क्या कारण होता है? जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ खानपान की ज़रूरत होती है, उसी तरह दांतों को स्वस्थ रखने के लिए भी उन्हें सही पोषण मिलना बहुत ज़रूरी होता है। शरीर में कुछ विटामिन की कमी से दांत कमज़ोर हो सकते हैं और दांतों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। दरअसल विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यह शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है जिससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा दूर होता है। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए भी विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। इससे दांतों में बैक्टीरिया इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। इसके साथ ही दांतों को जबड़े की हड्डी से बांधने वाले कनेक्टिव टिश्यू को ताकत देने में भी विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए आपको अपनी डाइट में खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू, मौसमी आदि शामिल करना चाहिए।